उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी हैं जो लगातार एजुकेशन क्षेत्र में तमाम काम कर रहे हैं, तमाम जो है नए कॉलेजेस खुल रहे हैं और शिक्षकों की समस्याएं दूर कर रहे हैं लगातार, और जो भी समस्याएं आती उस पर काफी तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने भी आगरा के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और काफी वोटों से उनका प्रत्याशी जीता भी लोकसभा में वहां पे, तो उनसे जानना चाहूँ अब आगे क्या रणनीति रहेगी, आगे भाजपा क्या चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेतृत्व है मोदी जी जैसा और प्रदेश में योगी जी जैसा, वैसा किसी के पास नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, हमारे योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियां, रीतियां, ऐसी रीति नीति और कार्यक्रम और योजनाएं किसी के पास नहीं है, उन योजनाओं पर क्रियान्वयन करना। और तीसरा, जो कार्यकर्ताओं की एक देवतुल्य कार्यकर्ताओं की फौज है हमारे यहाँ, वह भी किसी के पास नहीं है। तो संगठन को जुटाना और नेतृत्व के निर्देशों का अनुपालन करना और योजनाओं का क्रियान्वयन अंतिम छोर तक पहुंचाना, यह प्रक्रिया में हम लोग लगे हुए हैं। यही रणनीति हमको आगे भी सफल बनाएगी। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उच्च शिक्षा तो वैसे भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसके लिए जो है तमाम काम भी आप कर रहे हैं, लेकिन तमाम शिक्षकों जिसे निदेशालय है आपका और जो हायर एजुकेशन ऑफिसर्स हैं, ये इनके लोग जो है जो भ्रष्टाचार होता तो शिकायत नहीं कर पाते, क्योंकि IGRS पे लिंक नहीं है, सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी जो IGRS पे लिंक है ये लिंक नहीं है, तो क्या इनको IGRS पे लिंक कराएंगे आप? देखिए, सभी डिपार्टमेंट धीरे धीरे IGRS से लिंक हो रहे हैं, जो रह गए वो भी होंगे, और जो शिकायतें सीधे हम पर भी आती हैं, हमारा तो ऑफिस और आगरा में कैंप कार्यालय ये हमेशा जनता के लिए खुले हैं, जो शिकायत आती है उनका तत्काल निराकरण होता है। देखिए, आपके डायरेक्टरेट जो है और जो है यहाँ के इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट है, क्या इनको आपस में लिंक करने चल रहा है कि आप ट्रांसफर एक दूसरे को हो सके, ऐसी कोई प्रक्रिया है? अभी ऐसी प्रक्रिया विचाराधीन नहीं है, लेकिन एक ये स्टेप हो सकता है, बशर्ते निचले स्तर पर भी लोग मानसिक रूप से तैयार हों, तो विचार करते हैं इस पर क्या किया जा सकता है। एक मंत्री जी, भर्ती बोर्ड आयोग आपका गठन होना था, इसके जो है भर्तियां होनी थी, तमाम शिक्षकों के पद खाली हैं, नॉन टीचिंग के पद खाली हैं, तो इनको भरने के लिए क्या ऐसा किया, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार चाहते हैं जो खाली भर्तियां, अभी विपक्ष का इसे एजेंडा था कि चुनाव सरकारी पद खाली हैं, तो इसके लिए एजुकेशन विभाग क्या कर रहा है? नए शिक्षा आयोग का गठन हो गया है जिसमें माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा और उच्च शिक्षा सब एक ही आयोग के तहत इनमें भर्तियां शुरू की जाएंगी। उसका गठन चुनाव से ठीक पहले हो पाया था, अब बाकी जो पोस्ट है उसके लिए भी अब चुनाव आचार संहिता हटी है, उसको शीघ्र ही वो क्रियान्वयन करेगा। अभी कुछ दिनों पहले उप सचिव के लिए प्रतिनियुक्तियों में भर्ती होती है इसकी, तो प्रतिनियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, तो ये शीघ्र ही चुनाव आयोग इसका शिक्षा आयोग का गठन पूर्णता ग्रहण करके अपने कार्रवाई को शुरू करेगा और जहां पर भी वैकेंसी है उनको जल्दी से जल्द पूरी करेंगे। अरसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके कि टीचिंग और नॉन टीचिंग की भर्तियां नहीं हो रही हैं, मतलब दशक पूरा बीत गया है, तो क्या अब इनकी प्रक्रिया शुरू कराएंगे? नहीं, नॉन टीचिंग की और टीचिंग की जहां तक शुरू होनी थी वो शुरू चलती भी रही है, ऐसी बात नहीं है। पिछले दो साल में अगर मैं मोटा मोटा हिसाब बताऊं तो लगभग 1000 शिक्षकों की, 1000 नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती हुई है। अब उस प्रक्रिया को और तेज किया जाएगा, अल्पसंख्यक डिग्री कॉलेजेस को भी अब इसी आयोग के अंडर में ले लिया गया है, जहां पेंडेंसी थी वो भी पूरी हो जाएंगी। एक सवाल आता है जिसे अक्सर जो है चीफ सेक्रेटरी कहते हैं जो रिटायरमेंट होगा उसी दिन नेक्स्ट डे उसको पेंशन मिल जाए, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसा संभव नहीं हो पा रहा, पेंशन के लोग महीनों जो भटकते हैं, तो इसके पीछे कैसे क्या नियम कैसे करेंगे सकती कि पेंशन मिल जाए जहां भी लोग? देखिए, जो अपेक्षित समय है उसमें उनको पेंशन मिलनी चाहिए और मिलती भी है। जिनको अगर ऐसा है कि कहीं पर लाल फीताशाही के चक्कर में उनको डिले होता है तो हमको सूचित करें, मेरा दरवाजा 24 घंटे जनता के लिए खुला रहता है, सूचित करें, मैं देखूंगा, कहीं भी पानी मर रहा होगा वो जनता को कष्ट नहीं होने दिया जाए। लगातार आप तो मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास भी चल रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर डायरेक्टरेट में और क्षेत्रीय अधिकारी ऑफिस में इन स्तर से अक्सर विलम्ब होता है, और ऐसे ऐसे आप डेसन लगाए तो जो प्रिंसिपल दूसरों को पेंशन स्वीकृत कराता है उसकी खुद पेंशन नहीं मिल पाती है, तमाम आपके पास शिकायत भी पहुंची भी थी, आपने कोई इंडक्शन भी लिया, तो फर्दर क्या आपसे आकर शिकायत कर सकते हैं लोग? क्यों नहीं, मैंने कहा ना कि मेरे पास तो हमेशा दरवाजे खुले हैं,
कोई किसी को तकलीफ है आए बताए, उसकी तकलीफ दूर की जाएगी, और जहां पर इसके लिए जो जिम्मेदार है उसकी जवाबदेही तय की जाएगी कि तुम ये इनको परेशानी या डिले कैसे हुआ। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा सत्ता पक्ष पे कि जो है आप लोग जो है उस पर गलत तरीके कर रहे हैं कि हम कानून बदल देंगे, ये करेंगे ऐसा, लेकिन ये हकीकत क्या है कि इसके पीछे भाजपा क्या कह रही है? सब कहा कि कभी संविधान बदलने की बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की, ना कोई कानून बदलने की कही। संविधान की जो उन्होंने हवा उड़ाई कि संविधान बदल दिया जाएगा, वह उनका दुष्प्रचार था जो इत्तेफाक से घर कर गया होगा, वो एक कारण रहा होगा चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व टॉप टू बॉटम ये कहता रहा कि संविधान बदलने की हमारी कोई नीयत नहीं है। आखिरी सवाल मेरा है कि अब 2027 की तैयारी के लिए भाजपा क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का मैंने जैसे कहा कि नेतृत्व भी सक्षम है हमारे पास, चुनौती है ऐसा नेतृत्व किसी और पे हो। क्या मोदी जी योगी जैसा नेतृत्व किसी और दल पे है? नहीं। ऐसे ही हमारे जिद्देवतुल कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज किसी और दल पे है? नहीं। हम अपनी बात अब इनके माध्यम से जनता के अंतिम छोर तक पहुंचाएंगे, जिससे कि दुष्प्रचार करने वाले दुष्प्रचार ना कर सके। इस चुनाव में जो कुछ परिणाम विपरीत आए उनके कई कारण हैं, जैसे चुनाव का बड़ा लंबा खिंचनाव गर्मी में होना, ये एक कारण रहा। दूसरा, अति आत्मविश्वास में भी आ गए थे कार्यकर्ता। और तीसरा, प्रत्याशी चयन में भी कुछ जनता को पसंद नहीं थे, तो वो सब कारण मिलकर चुनाव में विपरीत परिणाम आए। लेकिन इस बार वो सब खामियां दूर करके जो रह गई हैं आत्मचिंतन करेंगे, जनादेश था उसे स्वीकार करते हैं, और निश्चित रूप से भविष्य हमारा है। तो योगेंद्र उपाध्याय जी, इनका सीधे से कहना है कि 2027 के चुनाव के लिए पूरी मेहनत तैयारी होगी, और जो विपक्ष ने दुष्प्रचार किया है उसकी भी हम दूर करेंगे, और लोगों में कुछ जो है नीचे तक जाएंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी शिकायतें भी दूर होंगी। और जहां तक एजुकेशन डिपार्टमेंट बात है, उनका कहना है पूरा जो भर्तियों का कार्यक्रम जो है वो लगातार चलता रहेगा, और जो कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी उस पर तुरंत कार्रवाई